मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने से पहले मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा, पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है, ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं, और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो, जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को वोट के लिए आप चाहिए, हमें इस देश को बचाने के लिए आपके वोट चाहिए, और आपके यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हकूक को बचाने के लिए, और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये वोट, ये चुनाव की जरूरी है। तो भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पर आया था 1972 में, जब मैं चुन के आया पहली बार, तो यहाँ पर गुलबर्ग में देखने आया था उस वक्त, तो पहला इलेक्शन था, तो सब लोग टूर पे आए थे, तो उस वक्त कश्मीर को विजिट करा था। उसके बाद फिर मिनिस्टर होके पीर पंजाल और वैष्णव देवी, वो रेलवे भी हमने यूपीए गवर्नमेंट में बना के दी, चाहे वो अपने मोदी जी कितना भी क्रेडिट लेने दो, वो सिर्फ बात बहुत करते हैं, काम नहीं करते। हमने काम करके दिखाया, सोनिया गांधी जी ने काम करके दिखाया, यूपीए गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे ज्यादा काम करते थे, लेकिन ये बहुत बोलते हैं काम कुछ नहीं करते, कम करते नहीं कुछ नहीं करते। तो यहाँ जी पहली बार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुझे बहुत अच्छा याद आता है। 30 जनवरी 2023 को गांधी जी के 75वें शहादत दिवस पर श्रीनगर में आयोजन हुआ था, आप सबको याद है, विपक्ष के सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, बर्फबारी के बीच सभा हुई। मैं ये टोपी उसी वक्त खरीदा था, इस टोपी से मेरे को जीत मिली, इसीलिए
नहीं ये टेप टोपी भाई गर्मी में टोपी डाल के आया, ये क्या बोल के आप समझेंगे। उस वक्त इस वक्त गर्मी है लेकिन उस वक्त बर्फ ही बर्फ था और हमने राहुल जी के नेतृत्व में जीते। और आप देखेंगे एक फोटो भी है, हम दोनों मिल के ठहरे हुए हैं बर्फ में। तो इसीलिए जो भारत जोड़ो की यात्रा खत्म हो गई वो कश्मीर में बर्फ के साथ। और दूसरी चीज, ये श्रीनगर में आयोजन के बाद फिर राहुल गांधी जी मणिपुर से अपना महाराष्ट्र तक, मुंबई तक अपनी यात्रा की। जिस मणिपुर में वो खुद गए, प्रचार करे, लोगों से मिले, पादयात्रा किए, उसके बाद मुंबई में उसका वो कार्यक्रम खत्म हुआ। हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो मणिपुर विजिट करके वहां के महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के लोगों का, वो जो लोग घर बार सब जिनका लूट गया था, जल गए थे, उनको अगर कोई मिला वो राहुल गांधी जी ने मिला। मोदी आज तक नहीं गया डर के, सुने नहीं, सुने आप मोदी जी गए थे वहां? नहीं, क्यों नहीं गए? डर गए। तो ये मोदी का असल अवतार है। और चुपी बोलते रहता मेरी 56 इंच की छाती है, वो है फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ, और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था, अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो, इसीलिए मैं अभी हमारे इन्होंने अध्यक्ष जी ने बहुत शेर शायरी की, ये मुशायरा ही समझा था मैं। उनका जब भाषण शुरू हुआ तो मैं समझा भाई भाई बड़ा मुझमें मुशायरा भी है क्या समझा, तो स्वागत की। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। ताराचंद से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उधर तक हाथ मिला के। और ये आप, ये तो कार्यकर्ता हमेशा पाप बेचारे कांग्रेस के साथ ही रहते हैं, लीडर लड़ते रहते हैं हमेशा, तो आप उसको खत्म करना है, मिल के चलना है और अपने को देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक दिन एक कश्मीर के ही बहुत बड़े नेता मान जाते थे, एक नेता, मैं नाम नहीं बोलता, मैं बोला साहब हमेशा आप लोग ऐसी टोपी डाल के दिल्ली में फिरते थे लेकिन आजकल नहीं दिख रहा क्या? क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पूछा हूँ उन लोग क्यों टोपियां नहीं दिख रहे ज्यादा। उसने मतलब क्या करना साले, ये बीजेपी के लोग आ गए और कहीं भी गए तो हमारी तरफ ही देखते बोले। अरे आप तो लीडर है, आप क्यों डर रहे हो? टोपी ये तो तुम्हारी शान है और यहाँ की इज्जत है। जो आदमी अब टोपी डालने के लिए डरता है वो तुम्हारी हिफाजत कभी भी नहीं करता। तो दोस्तों
मैं ये क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि नुमाइंदगी करने वाले भी ऐसे भी हैं, दिखाने के लिए अच्छे हैं, देखने के लिए भी अच्छे हैं, पहनावा भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब टकराव की बात आती है, लड़ने की बात आती है, वो उसको एकदम पीछे हट जाते हैं और दूसरों को सामने, और ऐसे जोर से पुकारने वालों में भी बहुत से लोग हैं, राहुल जी आप आगे बढ़ो, तुम पीछे रहते हो। अरे साथ में रहो ना, हम साथ में रहेंगे, बोलो। मैं बहुत जगह देखा, राहुल जी आप आगे बढ़ो, हाँ साथ रहो, पीछे मत रहो, क्योंकि ये तुम पीछे रहे, तुम पीछे से हमको ढक लेंगे, क्या करें मालूम नहीं होता। तो इसलिए आपको मैं यही कहूंगा कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे आशा है कम से कम हम लोग 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है, और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है, और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है, वो राहुल गांधी जी है। ये आप लोगों ने बताया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे सामने है उनको खुश करने के लिए, मुझे कुछ होना नहीं देना नहीं, मैं जो कुछ है देते ही जा रहा हूं, मैं लेने का सवाल नहीं। तो क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो पॉपुलर लीडर है उसके पीछे जम्मू एंड कश्मीर है, और आज वो पूरा अपना जीवन, अपना यूथ, पूरा देश के लिए समर्पित किया। और भाइयों, दूसरी बात ये है कि बहुत से वायदे हमारे मोदी ने किया होगा, अभी भी एक एक फोटो वहाँ यहाँ है जहाँ सरकारी कामों के पॉलिसी के लगा के फिर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा इधर नहीं आ रहे, पहले आते थे, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो ये जो भी उनके चेले चपाटे हैं तो वो लोग भी बहुत यहाँ पर कानून छोड़ के काम करते हैं और लोगों को डराते हैं और संविधान को तोड़कर काम करते हैं। तो इसीलिए जो लोग संविधान तोड़कर चलते हैं उनको भी सबक सिखाना है, सिखाएंगे सिखाएंगे। तो भाइयों, उनको भी सबक सिखाना है, झूठ बोलने वालों को भी, क्योंकि मोदी जी तो जितना झूठ बोलते हैं उसकी कोई हद नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं उनको, ये तो झूठ का सरदार है, ये झूठों का सरदार है, तो इसी के ऊपर भरोसा मत करो, अगर भरोसा करके जीने का सीखेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर कोई इस देश को बचाएगा वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कोई नहीं। और मैं आगे आपको कहूंगा कि आपके हकूक के लिए राहुल गांधी जी लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे साथियां पूरे लोग लड़ेंगे, आपके जमीन जंगल सारी चीजों की हिफाजत करने का पूरा काम हम करेंगे, और उसी लिए पार्टी हमेशा कुर्बानी देते आई है, हमको नुकसान भी अगर कहीं हुआ तो भी हम जनता के साथ खड़े होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, हम कभी भागने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि मोदी के 9 साल के शासन में 2350
आतंकी घटनाएं हुई, 2,350 आतंकी घटनाएं हुई, केवल 377 नागरिकों को और अपनी जान गंवाना पड़ा। इतना बहुत बड़ा ये जो कुर्बानी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और मेरे शब्द नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जो गवर्नर सतपाल मलिक थे ना, यहाँ थे सतपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा सुना कि कैसे एक आरएसएस बीजेपी नेता जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, उन्होंने उस दौरान मोदी साहब के करीबी मित्र की कुछ फाइलें क्लियर करने के लिए करोड़ों रुपए की घूस का ऑफर दिया था। इसका खुलासा खुद गवर्नर साहब ने किया, पर सीबीआई जांच अभी नहीं हो रही। अरे तुम्हारा गवर्नर कहता है और तुम उसकी जांच नहीं करते हो, और कोई पार्टी अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम करती है तो आप उसके लोगों को ईडी में डालते हो, सीबीआई में डालते हो, सीईसी में डालते हो, इनकम टैक्स की धाड़ लगाते हो। अरे तुम्हारे चोर तो तुम्हारे बगल में बैठे हैं और चोर को ढूंढ रहे बाहर। तो ये है, ये हमेशा इनका ऐसा ही होता, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये करते फिरते हैं, फिरने दो, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। चंद बातें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, उन बातों को आपको याद दिलाकर मेरे और भाषण को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बची कुची बातें जम्मू में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ बताना जो जरूरी था वो मैंने बताया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कहा करते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितनी तस्वीरें हैं, उनके भाषाएं, अनेक रहन सहन हैं, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना, इतिहास की मैं फिर एक बार शुरू करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितने ही तस्वीरें हैं, अनेक भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, कौमियत की भावना इतिहास की पुकार है, यही हमें सबसे मजबूती देगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त की, अभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता है एकता उसी में है। लेकिन यहां मोदी जी तोड़ फोड़ सब करके उस पार्टियों को भी तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, धर्म को तोड़ते हैं, सबको तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कभी हमारे राज में, कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ, और हम होने भी नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और हम लड़ते हैं एक आइडियोलॉजी पे। बहुत बार यहाँ, एक बार कोई आए थे नेता बीजेपी के, वो बार बार वही बोलते थे, जिस जगह राहुल जी ने खुद झंडा ही नहीं फहराया बल्कि बर्फ में ठहर कर अपनी बातें इंडिया गठबंधन के सब लोगों को और आपको भी उन्होंने बताया। अरे ये हिम्मत कांग्रेस में है, इसको तोड़ नहीं सकता, हमारे को कमजोर कोई नहीं कर सकता, और हम कमजोर होने वालों में से भी नहीं है। तो दोस्तों,
मैं आखिरी में आपको एक संदेश देना चाहता हूं। मैं तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके जैसा तो शेर शायरी करने नहीं जाता हूं, मैं जरा आपको लड़ने का सिखाता हूं और एक दूसरे को मिलने का सिखाता हूं और एक दूसरे से मिल के कैसा काम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो मैं आपको कहूंगा और मेरे बात को खत्म करूंगा। लड़ नहीं सकते तो बोलो, नहीं मैं आपको बोलो नहीं बोला, ऐसा शायरी में बोला है। लड़ नहीं सकते तो बोलो, यानी आपको लड़ना नहीं आता तो कम से कम बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, जो बोलते नहीं कम से कम लिखो, पेपर में लिखो, उसमें लिखो, आर्टिकल लिखो, किताब लिखो, देश लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को मनोबल बढ़ाओ, साथ अगर नहीं दे सकते हैं आप ही करना, किधर गए हमारे नेता प्रेसिडेंट साहब, आप देखिए आपको ही बोल रहा हूं मैं, अपने दोस्तों को बोली ही है, कोई यदि साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ, यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। क्योंकि क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, यदि वो भी नहीं कर सकते तो जोर कर जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा कार्यकर्ता तुम्हारी हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए हमारे लीडरों को मैं यही कहूंगा इस मंच से कि आप एक होकर मजबूती के साथ लड़ो, पार्टी आपके साथ है, राहुल जी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। इतना कहते हुए मेरे चार शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कश्मीर।